हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनीता मलिक व्लॉग्स। जब हम मेकअप की बात करते हैं तो मेकअप में बेसिक चीज जो आती है वो होती है कलर थ्योरी। कलर थ्योरी को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कलर थ्योरी अच्छे से समझ जाएंगे तो आपके लिए मेकअप बहुत इजी हो जाएगा। कलर थ्योरी हेल्पफुल तो सबके लिए है, लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो लोग दूसरे लोगों का, जैसे कि अपने क्लाइंट्स का मेकअप करते हैं। आपके पास डिफरेंट स्किन कलर के, डिफरेंट स्किन टेक्सचर के क्लाइंट्स आते हैं, और अगर आपको कलर थ्योरी क्लियर नहीं है तो आप उनका मेकअप करने में मिस्टेक कर जाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अगर इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो बेटर है कि आप एक नोटबुक या एक पेपर लेके उस पर अच्छे से नोट्स बना लें, ताकि अगर आप कुछ चीज़ मिस भी कर जाएं या अगर आप भूल जाएं तो आगे आप अपने नोट्स से उसको वापस रिमाइंड कर सकते हैं। सो कलर थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले आपका कलर व्हील को समझना बहुत ज़रूरी है। ये कलर व्हील काफ़ी सारी चीज़ों में काम आती है। अगर आप एक पेंटर हैं, आप पेंटिंग करते हैं, तो उसमें भी ये कलर व्हील काम आती है। इवन जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं वो भी कलर चूज करने के लिए इसी कलर व्हील की हेल्प लेके कलर चूज करते हैं। लेकिन मेकअप में ये कलर व्हील थोड़ा अलग तरीके से काम करती है, उसी तरीके को आज हम समझेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इजीली समझ पाएंगे कि स्किन टोन, अंडरटोन, कटिंग, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, न्यूट्रलाइज करना किसे कहते हैं, ये सब कुछ आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं ये वीडियो। तो कलर व्हील में सबसे पहले आते हैं प्राइमरी कलर्स। आप हेडिंग डाल के लिख लीजिए प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स होते हैं रेड, येलो एंड ब्लू। प्राइमरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जो कि किसी भी कलर के कॉम्बिनेशन से नहीं बन सकते, मतलब ये वो कलर्स हैं जिन्हें आप मिक्स करके बना नहीं सकते। बल्कि कलर व्हील में बाकी जितने भी कलर्स होते हैं वो सारे कलर्स प्राइमरी कलर्स से ही बनते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं सेकेंडरी कलर्स। सेकेंडरी कलर्स वो होते हैं जो दो प्राइमरी कलर्स को मिला के एक सेकेंडरी कलर बनता है। जैसे कि अगर आप रेड और येलो को मिला देंगे तो आपको मिलेगा ऑरेंज कलर, अगर आप ब्लू और रेड को मिला देंगे तो आपको मिलेगा पर्पल कलर, और अगर आप येलो एंड ब्लू को मिला देंगे तो आपको मिलेगा ग्रीन कलर। तो हमारे तीन सेकेंडरी कलर हुए ऑरेंज, पर्पल एंड ग्रीन। ये बहुत ही बेसिक थ्योरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो थ्योरी आप इजिली समझ भी जाओगे और जिसे आप इजिली इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे अपने मेकअप में। बहुत एडवांस लेवल की चीज़ मैं नहीं बताने वाली इसमें, लेकिन हाँ ये बेसिक चीज़ इतनी सिंपल है कि आप इजिली इसको समझ पाओगे। सो फर्स्ट हमारे हो गए प्राइमरी कलर, सेकेंड हमारे हो गए सेकेंडरी कलर। अब थर्ड आते हैं हमारे ट्राइश्री कलर्स। ट्राइश्री कलर्स कौन से होते हैं? ट्राइश्री कलर्स वो होते हैं जिसमें 50% प्राइमरी कलर और 50% सेकेंडरी कलर मिल जाते हैं, तब जो कलर बनता है उसे ट्राइश्री कलर बोलते हैं। जैसे कि अगर आप येलो एंड ऑरेंज को मिला देंगे तो आपको मिलेगा ऑरेंज येलो, अगर आप ऑरेंज एंड रेड को मिला देंगे तो आपको मिलेगा रेड ऑरेंज, अगर आप रेड एंड वॉयलेट को मिला देंगे तो आपको मिलेगा वॉयलेट रेड, ऐसे ही अगर आप वॉयलेट एंड ब्लू को मिलाएंगे तो आपको मिलेगा ब्लू वॉयलेट, अगर आप ब्लू एंड ग्रीन को मिला देंगे तो आपको मिलेगा ब्लू ग्रीन, जिसे हम सी ग्रीन भी बोलते हैं। ये मैं वो कलर्स बता रही हूँ जो दो कलर्स के मिलने पे बन रहा है। इनके नाम और भी होते हैं, अलग अलग नामों से इन्हें बोला जाता है, बट आपको समझाने के लिए मैं ये बता रही हूँ कि अगर आप रेड एंड ऑरेंज को मिला दोगे तो क्या बनेगा, आप इमेजिन कर पाओगे कि ये कलर बनेगा। तो बेसिकली ये पूरी कलर व्हील होती है जिसमें आप इजीली समझ सकते हो कि ये सारे कलर्स कैसे बनते हैं और ये पूरी कलर व्हील में कौन कौन से कलर्स होते हैं। अब जब आप ये समझ चुके हो कि पूरी कलर व्हील में कौन से कलर्स होते हैं और वो कैसे बनते हैं, प्लस उन्हें क्या बोलते हैं, अब हम बात करेंगे कलर कॉम्बिनेशंस की। कलर कॉम्बिनेशंस में सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो कलर्स होते हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि कलर व्हील में जो एक कलर दूसरे कलर के अपोजिट है उसे हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। अगर साफ साफ शब्दों में कहूँ तो वो कलर जो दूसरे कलर के साथ सूट करता है, इजीली चला जाता है, उसे हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देके बताती हूँ, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जब भी ब्राइड्स
कोई भी रेड कलर का अगर लहंगा पहनती हैं तो वो ज्वेलरी हमेशा ग्रीन कलर की चूज करती हैं, रेड के साथ वो रेड ज्वेलरी चूज नहीं करती। क्यों? क्योंकि रेड के साथ वो ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। सेम ऐसे ही ब्राइडल मेकअप में भी आप देखोगे कि अगर किसी ने रेड आउटफिट पहना है और अगर आप उसके आई मेकअप में ग्रीन ऐड कर दो तो वो आई मेकअप बहुत सूट करता है। ऐसे ही अगर किसी ने ब्लू कलर का आउटफिट पहना है और अगर आप उसको ऑरेंज कलर की लिपस्टिक ऐड कर दो तो बहुत सुंदर लगता है। अगर आप किसी ब्लू कलर के आउटफिट पहने हुए को ग्रीन कलर की लिपस्टिक लगा दोगे तो वो बहुत ही अजीब दिखेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। सो कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मतलब है कि जो एक कलर के साथ दूसरा कलर देखने में अच्छा लगे, सूट करे उसे। सो कलर व्हील को देख के आप समझ सकते हो कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसने रेड कलर का आउटफिट पहना है तो आप ग्रीन को मिक्स एंड मैच करके कुछ भी आई मेकअप क्रिएट कर सकते हो। बट इसमें ये भी समझने की बात है कि ऐसा नहीं कि क्योंकि रेड के साथ ग्रीन देना है तो आप उसे ग्रीन लिपस्टिक लगा दो, ऐसा मत करना। वो आपके समझने के ऊपर है कि आप कैसे आप दोनों कलर्स को मिक्स एंड मैच करके यूज कर सकते हो। सेकंड टॉपिक है न्यूट्रलाइजिंग, जिसे हम कटिंग भी बोलते हैं। कटिंग बोल सकते हो, कलर करेक्टिंग बोल सकते हो, न्यूट्रलाइजिंग बोल सकते हो, जो आपका मन करे। बट बेसिकली इस स्टेज में हम क्लाइंट के फेस को असेस करके हम ये समझते हैं कि हमें उनके फ्लॉज को हाइड कैसे करना है, कौन सा कलर कंसीलर आपको यूज करना है जिससे आप सही तरीके से उनका एक बहुत ही परफेक्ट सा बेस बना सको। जैसे कि अगर किसी को डार्क सर्कल है तो आपने देखा होगा कि डार्क सर्कल में थोड़े हैवी जिनको डार्क सर्कल है, क्योंकि उसमें ब्लू का रिफ्लेक्शन आता है तो उसके साथ हमेशा ऑरेंज कलर कंसीलर यूज किया जाता है। अगर किसी को हल्का फुल्का डार्क सर्कल है, उतना ज्यादा नहीं है, बहुत माइल्ड है, तो आप उसे येलो कलर कंसीलर से भी कवर कर सकते हैं। अगर किसी को रेडनेस है पिंपल वाली या फिर उसको रेड रैशेस पड़े हैं फेस पे तो आप उसको ग्रीन कलर कंसीलर से कवर करोगे। सो अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था इनसाइड कॉस्मेटिक्स का कलर व्हील जो कंसीलर है उसे कैसे यूज करना है, बेसिकली पूरी किट कैसे यूज करनी है, तो उसका लिंक मैं यहाँ पे छोड़ दूंगी। मैंने उसमें आपको दिखाया था कि उनकी ये कलर करेक्टर जो व्हील है इसमें आप इजीली देख सकते हो कि आपको 3-4 तरीके के कंसीलर कलर करेक्टर को मिलते हैं। सो ये अलग अलग जो कलर्स हैं ये अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी को रेड कलर के रैशेज हैं या पिंपल के निशान हैं तो उसमें आप ग्रीन कलर कंसीलर यूज करोगे, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी को बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है तो आप ऑरेंज कलर कंसीलर यूज करोगे, लाइट है तो आप येलो यूज कर सकते हो। अब काफी ब्राइड्स को आपने देखा होगा कि क्योंकि उनको हल्दी लगी होती है ब्राइडल डे से एक दिन पहले तो उनका पूरा फेस पीला हो रखा होता है, येलो कलर का हो रखा होता है, तो उस केस में अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम येलो है उस केस में आप यूज कर सकते हो पर्पल कलर। तो देखा आपने कितना इजी है अगर आप कलर व्हील को अच्छे से समझ जाओ और कलर कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ जाओ कि किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन जाएगा, कौन सा कलर किसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए कंसीलर चूज करना, कलर करेक्टर चूज करना, और बहुत ही ईजीली आप अपना मेकअप का बेस बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइलाइटिंग एंड कॉन्टूर की। हाइलाइटिंग करने के लिए हमें यूज करने होते हैं लाइट कलर, लाइट कलर जैसे कि येलो, लाइट पिंक या फ्लोरेसेंट ग्रीन, ये कलर हमारे काम आते हैं हाइलाइट करने में। ऐसे ही जो डार्कर कलर्स होते हैं जैसे कि मस्टर्ड येलो या ब्राउन की फैमिली, वो हमारे काम आते हैं हमारे फेस पे कटिंग करने में, कॉन्टोर करने में, हमारे फेस को शेप देने में, क्योंकि वो डार्कर शेड्स होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टिंट, शेड और टोन की। टिंट क्या होता है? आप किसी भी प्योर कलर में वाइट कलर मिक्स कर दीजिए, उसके बाद जो कलर आपको मिलेगा वो उस कलर का टिंट कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं पिंक कलर में वाइट कलर मिक्स कर दूं तो वो बहुत ही लाइट पिंक बन जाएगा, तो वो एक टिंट हो गया किसी भी कलर का। नेक्स्ट होता है शेड। किसी भी प्योर कलर में ब्लैक कलर अगर आप मिक्स कर देंगे तो वो उसका शेड बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं ब्लू में ब्लैक मिक्स कर दूं
तो वो नेवी ब्लू कलर बना देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोन की। जब आप ग्रे कलर को किसी भी कलर में, प्योर कलर में मिक्स कर दोगे तो वो टोन कलर बना देगा। ओके, तो टिंट हो गया वाइट किसी भी प्योर कलर में, शेड हो गया ब्लैक किसी भी प्योर कलर में, और टोन हो गया ग्रे किसी भी प्योर कलर में। लास्ट हमारा टॉपिक आता है कलर टेम्परेचर। कलर टेम्परेचर अगर आप अच्छे से समझ पाएंगे तो कलर टेम्परेचर के हिसाब से आप इजीली चूज कर सकते हैं अपने क्लाइंट का फाउंडेशन और या फिर अपना फाउंडेशन। कलर टेम्परेचर में दो टेम्परेचर होते हैं, वार्म एंड कूल टोन। सो अगर आपको प्रॉपर तरीके से जानना हो कि इसके बाद आप कैसे फाउंडेशन चूज कर सकते हैं तो उस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कूल टोन एंड वार्म टोन की। सो अगर आप इस कलर व्हील में ध्यान से देखो तो पर्पल से लेके येलो कलर तक आपके जितने भी कलर्स हैं वो वार्म टोन में आ जाते हैं। ब्लू पर्पल से लेके ग्रीन येलो तक जितने भी कलर्स हैं ये सारे आपके कूल टोन में आ जाते हैं। अब इनका यूज करके फाउंडेशन कैसे चूज करना है इसके लिए ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, आप ये वीडियो जाके चेक कीजिए, हाउ टू चूज योर फाउंडेशन, एंड इजीली आप समझ पाएंगे कि कैसे आप इसको ध्यान में रख के अपना या अपने क्लाइंट का फाउंडेशन चूज कर सकते हैं। सो अगर किसी फाउंडेशन में आपको पिंक रिफ्लेक्शन दिखे तो आप इजीली समझ जाना कि ये फेयर या एक्सट्रीम फेयर लोगों पे ही जाएगा फाउंडेशन। अगर आप वो फाउंडेशन किसी वार्म टोन वाले फेस पे अप्लाई कर दोगे, किसी मीडियम स्किन टोन या फिर किसी डार्क स्किन टोन पे अप्लाई कर दोगे तो वो थोड़ी देर बाद बिल्कुल ग्रे हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे कोई किसी को आपने भूत बना दिया है। जो आपने देखा होगा कि काफ़ी लोगों का फाउंडेशन थोड़े टाइम के बाद बिल्कुल ऐसे ग्रे सा हो जाता है, ब्लैक सा हो जाता है, ऑक्सीडाइज भी हम बोलते हैं कि ऑक्सीडाइज हो जाता है वो, और कुछ नहीं होता। यही प्रॉब्लम होती है कि आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन नहीं चूज़ करते और आप बहुत ज़्यादा लाइट फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हो जिसकी वजह से वो थोड़ी देर बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है और आपका फेस ऐसे ब्लैक सा और ग्रे सा दिखने लगता है। अगर किसी फाउंडेशन में आपको गोल्डन या येलो रिफ्लेक्शन दिखे तो वो फाउंडेशन आप वार्म टोन के जो भी लोग हैं या फिर डार्क कलर के जो भी लोग हैं या मीडियम टोन के जो लोग हैं उन पे आप यूज कर सकते हो। ये फाउंडेशन अगर आप लाइट स्किन टोन के लोगों पे लगाओगे, फेयर लोगों पे लगाओगे तो ऑब्वियसली वो ब्लैक दिखने लगेंगे, उनका फेस अजीब सा डार्क डार्क सा दिखने लगेगा। सो आपको बहुत ज़रूरी है इसको समझना फाउंडेशन चूज करने से पहले। सो आई होप कि आपको ईजिली ये पूरी थ्योरी समझ आ गई हो। मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से ये समझाने की कोशिश की है और मैंने बिल्कुल ही बेसिक थ्योरी आपको समझाई है, मैं एडवांस लेवल पे गई नहीं हूँ। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप नीचे मुझे कमेंट भी कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, आप मुझे वहाँ पे पर्सनल डीएम कर सकते हैं और वहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब मैं मिलूँगी आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।